जल्दी वेट लूज होता है, तो मुझे लगता है वो किया भी इन्होंने, आपने किया है कीटो डाइट किया मुझे लगता है मैम? नहीं, आप कर रहे थे कीटो पे थे ना आप शूट पे? चलो तो इन्होंने बोल दिया, वैसे लगता तो नहीं है कि कोई भी खाते पीते घर के ट्रेलर एंड दे फील, ये तो फैंटेसी है, ऐसे तो आदमी नहीं होते। नहीं मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं घर पे अभी बोल सकता हूँ जाके ना कि मैं एक शो पे बोल के आया हूँ ऐसे कि हाँ मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सब कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए ऐसे होना चाहिए, तो फिर मैं घर पे जाके बोल देता हूँ कि देखा ना सब बोल रहे हैं अच्छा ही होगा, तभी इंजॉय करो जो मिला है तुझे। चलिए इस पर मैं डिटेल में आऊंगी, बट कंगना वी रेड योर इंटरव्यू वेयर यू सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल व्हिच वाज कि दिस इज अ ट्रिब्यूट, द मूवी इज अ ट्रिब्यूट टू द पावर ऑफ ऑफ वुमेन एंड ऑल ऑफ यू, मतलब आपको भी मैं इंक्लूड कर रही हूँ पुरुष, बट बाकी जो सारी महिलाएं हैं जैसे बड़ी, और हमेशा से मेरे फादर और मेरी मदर ने हमें इतना सपोर्ट किया है कि आज तक मुझे कभी फील ही नहीं हुआ इस चीज़ में। स्पेशली मेरी सिस्टर्स के लिए अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि हम गांव में रहते थे और वहाँ पे ये होता था कि लड़कियों को क्यों पढ़ाना, क्योंकि इनकी शादी हो जाएगी, और स्पेशली जब मेरी सिस्टर ने बोला कि उसने डॉक्टर बनना है तो सब ने ऐसे बोला कि क्यों किस लिए, किसी और घर जाएगी फिर वहाँ पे कमाएगी तो क्या ज़रूरत है शादी की, सोचो। तो मेरे पापा ने आज तक और मेरी मम्मी ने हमेशा इतना सपोर्ट किया कि चाहे कम होते थे पैसे जैसे भी होता था, उन्होंने क्या क्या किए, जो जिसका इंटरेस्ट था जिस प्रोफेशन में उन्हें वो करने दिया। और सबसे बड़ी सिस्टर मेरी डॉक्टर है, मिडिल वाली सिस्टर ने MBA कर रखा है, और सबसे छोटी इंजीनियर है, और मैं अपने प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ। तो हमेशा से सपोर्ट शुरू से मिलती है ये घर से, तो एक आपके वो नेचर में बन जाता है जब आप देखते रहते हो। तो मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास भी बेटी है 1.5 साल की, और जो फीलिंग है बेटी के लिए मुझे लगता है सबसे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर मेरी अटैचमेंट किसी के साथ है मेरी अपनी बेटी के साथ है, क्योंकि वो आपके मुझे लगता है पहले शायद ऐसे होता था जैसे कंगना जी ने बोला कि थोड़ी हिचकिचाहट रहती थी बच्चों में भी पेरेंट्स में भी, बट आज के टाइम पे नहीं है। मुझे लगता है कि जितना जितना प्यार मैं उसे करता हूँ मैं किसी और को कर नहीं सकता। तो मैं यही बोलूँगा कि बेटियाँ खास करके बहुत प्यार लेती हैं पापा से अपने फादर से, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बेटी मिली पहली, क्योंकि जब आपके पास पहली बेटी होती है तो फिर आपको वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ज़ारा मेरी सिस्टर्स 3 घर पे और मदर, मैं हमेशा लड़कियों में रहा हूँ, तो वो एक जो प्यार मिलता है लड़कियों से मतलब वो बहुत ही प्राइसलेस है। बीच में तो ये था नितेश और मेरे बीच में कि यार दो लड़कियां होगी तो बहुत अच्छा है, पर दो लड़के नहीं चाहिए घर पे, मैं तो भाग ही जाऊंगी, बट फॉर्चुनेटली वी हैव अ गर्ल एंड अ बॉय, बट या दैट वाज अ थिंग, दो लड़कियां होगी तो बहुत बहुत अच्छा है। Super, so this was, I had such a great time talking to all of you, पर पंगे लेने वाली बात हो जाएगी अगर मैं ही सवाल पूछती रही। आई थिंक आई शुड ओपन इट अप फॉर एवरीवन। आपका टेस्ट वैसा होता जाता है, तो वही एक्टिंग में भी मेरे साथ हो रहा है कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है, तो सेट पे आप इनके आसपास रहते हो, इनको एक्ट करते हुए देखते हो, वैसे देखते हो, तो कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। तो मेरे साथ शुरू से पंजाबी फिल्मों में भी मैंने गुरदास मान जी के साथ काम किया, और अभी यहाँ पे कंगना, रिचा, नीना जी, इससे पहले जिम्मी बाजी, सोनाक्षी, पीयूष मिश्रा जी, तो सब इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ जब आप काम करते हो तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि ये मेरी दूसरी फिल्म है बॉलीवुड में, और मैं इतने अच्छे लोगों के साथ बैठा हूँ आज यहाँ पे और काम कर रहा हूँ, यही बहुत अच्छी चीज़ है। वन मोमेंट ऑफ पंगा विच यू ऑल हैड ड्यूरिंग द सेट्स, वन मोमेंट ऑफ पंगा विच, या ऑल ऑफ यू, कोई ऐसा पंगा? हाँ जी, अच्छा पंगा मोमेंट, ओके। तो वैसे तो बहुत अच्छा माहौल था सेट पे, सब एक घर में शूट कर रहे थे भोपाल में, वो मेरे लिए सबसे यादगार मोमेंट्स हैं वहाँ की, क्योंकि वहाँ पे एक तो मैं भोपाल पहली बार गया था और हम रेलवे क्वार्टर्स में शूट कर रहे थे, हमारा छोटा सा घर था, और वो एक नई लाइफ देखने को मिली वहाँ की। और मैं वैसे फिल्म में रेलवे इंजीनियर हूँ, और वहाँ पे जितना रेलवेज का काम था वहाँ पे भी देखने का मौका मिला, तो भोपाल की चीज़ें वो सारी बहुत स्पेशल थी मेरे लिए। अदरवाइज हमारा टाइम हो गया, अभी मुझे लगता है 1.5 साल हो गया, मैं थोड़ा भूल भी जाता हूँ, और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे अश्विनी मैम हमेशा याद रखते हैं, क्योंकि ये फिल्म देखते रहते हैं, इनको याद आता रहता है कि ये कर रहे थे ये कर रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। उसमें क्या था कि हमारे डायरेक्टर मैम हैं जो, इनको हर टेक के ना 2 सेफ्टी टेक चाहिए होते हैं, अगर ओके भी हो जाता है तो उसमें इन्होंने वो उसके रीटेक तो लिए वो अलग से, एक ओके टेक के बाद भी 2 रीटेक लिए सेफ्टी टेक्स, तो उसमें ज्यादा पड़ गई थोड़ी।